कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो इस तरीके से फिर लोगों से थोड़ा पता करके, बातचीत करके पता लगा कि कंपेयर करें मेरा काम 10 साल पहले का और आज का जो काम है, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। बहुत अर्ली ऑन मुझे समझ में आ गया था कि मैं 9 to 5 वर्क के लिए नहीं बना हूँ। मुझे ये था कि कुछ क्रिएटिव करना है। विजुअल एलिमेंट्स उस तरह से नहीं है, बट उसका आपके साथ में क्या कनेक्शन हो रहा है, आपके माइंड के साथ में, सबकॉन्शियस लेवल पे आपके सोल के साथ में कैसे वो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। पॉडकास्ट विद विद्या लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंडिपेंडेंट कमर्शियल एंड एडिटोरियल फोटोग्राफर सुशांत सिन्हा, जो कि 17 वर्षों से अधिक समय से फोटोग्राफी इंडस्ट्री के पार्ट है, नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में व्यापक रूप से प्रकाशित हो चुके हैं, एडवर्टाइजिंग, लाइफस्टाइल, सेलिब्रिटी, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर्स, पोर्ट्रेट, प्रोडक्ट और ट्रैवल फोटोग्राफी, कुछ भी इनसे अछूता नहीं है। साथ ही टाइम आउट, दिल्ली मैगजीन एज सीनियर फोटोग्राफर और एज चीफ फोटोग्राफर विद बेंच, जो कि ऑनलाइन फूड जर्नल है, में भी काम कर चुके हैं। इन्होंने इसके अलावा भारत और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ओवर द ईयर्स काम किया है। इनमें से कुछ है उबर ग्लोबल, उबर इंडिया, नोकिया फोन्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशंस, विलियम ग्रांट एंड सन्स, सोनी इंडिया, फोर्टिस हेल्थ केयर, बो कॉन्सेप्ट, ओरिफ्लेम, स्लीपवेल मैट्रेसेस, डाबर, सफोला, कैफे कॉफी डे, पेपर फ्राई, मैक पाई, क्रैम्बल। रुके, ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती है। इनके काम पीपल मैगजीन, फॉर्चून मैगजीन, पीबीएस ऑनलाइन, द आइडियल होम एंड गार्डन, ऑरिक्स मैगजीन, कतर एयरवेज, द कारावान, मर्सिडीज बेंज इंडिया मैगजीन, ऑडी इंडिया मैगजीन, द इंडियन एक्सप्रेस, हफिंगटन पोस्ट एंड संडे स्टैंडर्ड में भी छप चुके हैं। ये दिल्ली के SRCC से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किए हैं और साथ ही दिल्ली के ही त्रिवेणी कला संगम से आपने फोटोग्राफी के जो गुर सीखे हैं। सुशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट विद विद्या लाइव में। और सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो यात्रा है, योर जर्नी इनटू दिस फोटोग्राफी, हाउ वाज इट एंड कैसे आपकी बढ़ी है पूरी जर्नी, कैसे है ये शुरुआत से बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। जर्नी की अगर बात की जाए तो ग्रेजुएशन करते हुए मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया था। तो उसी टाइम पर फोटोग्राफी में थोड़ा इंटरेस्ट मेरा डेवलप होने लगा था, पर उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे इसको परस्यू करना है, कैसे कहाँ पे सीख सकते हैं, कहाँ पे कोर्सेज क्या हैं और कैसे आगे करना है, तो ये आइडिया नहीं था कुछ भी। लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट हुआ, इंटरेस्ट था, क्योंकि तो कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो इस तरीके से फिर लोगों से थोड़ा पता करके, बातचीत करके पता लगा कि त्रिवेणी कला संगम एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, जहाँ पर कि फोटोग्राफी का कोर्स होता है। सुशांत, ये फोटोग्राफी में ऐसा क्या स्पार्क था जो आपके इंटरेस्ट को इस आर्ट फॉर्म में लेके आ गया? विजुअल मीडियम एक ऐसा मीडियम है, आई थिंक मैं शुरू से ही इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहा हूँ। तो बचपन में भी मैं ड्राइंग्स वगैरह करता था, स्केचेस वगैरह बनाता था, और धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए तो इंटरेस्ट अपने आप ही, मतलब कई बार वो पिन पॉइंट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है कि क्या एग्जैक्टली पॉइंट था जहाँ पर आपका इंटरेस्ट आया। वो शायद बहुत ग्रेजुअली होता है और सबकॉन्शियस में वो आपका एक इंक्लिनेशन एक खास डायरेक्शन में होता जाता है। तो ये सब में होना ज़रूरी है क्या, जो भी अगर फोटोग्राफी में सोच रहे आने का? आई थिंक एक इंटरेस्ट तो होना डेफिनेटली मैं कहूँगा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट है तभी आप उस चीज़ को फिर पैशनेटली परस्यू कर सकते हैं।
ये तो है, पर अगर आपको मैं बोलूं कि आप अपने यूनिक स्टाइल या अप्रोच टू फोटोग्राफी उसको डिस्क्राइब करें, वो कैसे कीजिएगा? वो भी बहुत मुश्किल है, मतलब ओवर द इयर्स क्या होता है कि आपका स्टाइल भी धीरे धीरे इवॉल्व होता है, चेंज होता है। जैसे आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपके जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जिस तरह का काम आपको अच्छा लगता है, आप देख रहे हैं, और फिर वो काम आप अपने काम में आप इम्बाइब करना शुरू करते हैं कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, क्यों लग रही है, फिर आप उस तरीके से अपना शूट। बट ग्रेजुअली क्या होता है कि जैसे जैसे आपका काम इवॉल्व होता है, आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ शायद इतनी ग्रेट नहीं थी जो आपको उस वक्त लगती थी, और अब आपकी इन्फ्लुएंसेस और इंस्पिरेशन जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। तो टाइम के साथ वो एक एवोल्यूशन है जो चलता रहता है, हर आर्टिस्ट का होता है। ऐसे कोई एग्जांपल्स जो इस पे आया हो जिसमें आपने फ़ोटो लिया हो उस वक्त पे और जी, अभी जी, जी, तो उसमें क्या? मैं कहूँगा कि आप अगर कंपेयर करें मेरा काम 10 साल पहले का और आज का जो काम है, तो उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब मैं कहूँगा एक ये भी होता है कि स्टार्ट में आपकी जो लर्निंग है वो टेक्निकल ज़्यादा होती है, क्योंकि ये टेक्निकल एक आर्ट फॉर्म है। तो आप कैमरे को समझना, उसके सेटिंग्स को समझना, और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं पहले स्टार्ट करने के लिए। तो वो सब चलता रहता है शुरुआत में। उसके बाद जब आपका वो सेकंड नेचर बन जाता है, एक टाइम आता है जब आपको सेटिंग्स नहीं सोचनी पड़ती है, आपको पता है ये चीज़ आपको शूट करना है तो इसके लिए कैमरे में क्या सेटिंग्स होगी या आपको लाइट कैसा रखना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो होता है एक फेज़ आता है जब आप एस्थेटिक्स के ऊपर काम करते हैं, जो आप शूट कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, फ्रेम कैसा होना चाहिए, फोरग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक रहता है। तो इसी में एक बेंड ऑफ माइंड की बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा एक आर्टिस्टिक बेंड ऑफ माइंड होता है अगर फोटोग्राफी में बात करें तो, वो भी होता है। और साथ में अगर आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ पे क्या है कि बेसिकली लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनना है, जो पेरेंट्स का एक जो पीयर प्रेशर भी होता है, साथ ही वो यूपीएससी की तैयारी करना, उसके बीच से ऐसी सोच कि मुझे फोटोग्राफी में जाना है या फिर मुझे ये करना है, करियर बनाना है, ये कहाँ से, मतलब ये चीज़ें कहाँ से आई फिर? क्या वो बेंड ऑफ माइंड का ज़्यादा ये रहा? जी जी बिल्कुल। बहुत अर्ली ऑन मुझे समझ में आ गया था कि मैं 9 to 5 वर्क के लिए नहीं बना हूँ। मुझे ये था कि कुछ क्रिएटिव करना है। शुरुआत में इतना क्लियर नहीं था कि क्रिएटिव में किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। जैसा मैंने बताया कि मैं स्केचेस वगैरह बनाता था, थोड़ा बहुत लिखने का भी शौक था मुझे बचपन से। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, साथ में ऑफकोर्स पढ़ाई भी चल रही थी, स्कूल की पढ़ाई, फिर बाद में कॉलेज की पढ़ाई, तो ये सब चलता रहा। साथ में बैक ऑफ द माइंड ये था कि करियर में क्या करना है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खास करके जिस रीजन से मैं बिलोंग करता हूँ, झारखंड से, और मेरी स्कूलिंग जो हुई बोकारो में हुई, तो वहाँ पर इंजीनियरिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। पेरेंट्स चाहते हैं कि बेटा या बेटी जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रेस है, और बच्चे भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं इंजीनियर बनने के लिए। एटलीस्ट मैं अगर याद करूँ जब मैं वहाँ पर था स्कूल में, लेकिन कहीं पे मुझे अंदर से था कि नहीं, ये नहीं करना है। तो क्या करना है वो धीरे धीरे क्लियर हुआ, तो और जब हो गया क्लियर तो फिर मैं डिटर्मिन्ड था कि नहीं यही करना है। फिर थोड़ा प्रेशर था फैमिली से भी और पीयर ग्रुप से भी, पढ़ाई में भी मैं अच्छा था तो इसलिए भी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये कुछ एकेडमिक उसमें ज़्यादा वो करे। लेकिन इंटरेस्ट एक लेवल के बाद जब आपका इतना ज़्यादा होता है, वो पैशन बन जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर आपके लिए ज़्यादा दुविधा नहीं रहती है फिर कि क्या करना है वो फॉलो कर। कुछ अंदर तक अगर मैं घुसा था आपके जब प्रोफाइल को देख रहा था, तो 12th जब आप कर रहे थे, 12th आपका हुआ था, आपके रिजल्ट आए थे, तो शायद वो झारखंड के आप टॉपर थे कॉमर्स में, जी जी, सीबीएसई बोर्ड में, उसके बाद फिर इधर आ जाना जी। ये बड़ी बात है। पर वैसे आपको क्या सब्जेक्ट और ऐसी क्या थीम्स है जो आपको ड्रॉ करती हैं फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा? विजुअल इमेजरी ही है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आपका देखने का नज़रिया क्या है,
तो क्योंकि आमतौर पर हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं कि विजुअल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में बिजी रहते हैं, पर थोड़ा सा एक अगर आपके अंदर आर्टिस्टिक एक वो है एलिमेंट, स्पेशली विजुअल आर्ट की तरफ अगर मैं कहूँ तो पूरा ट्रेडिशन है हमारा, चाहे वो पेंटिंग्स का हो, स्कल्पचर्स का हो, ये सारा विजुअल आर्ट का जो ट्रेडिशन है, तो इसके अंदर चीज़ों को खूबसूरती से दिखाना, दर्शाना, आप एक अगर दुनिया को देख रहे हैं तो आपका क्या नज़रिया है देखने का, वो थोड़ा सा एक मैं कहूँगा पॉज ले करके अपने रूटीन से, और अगर आप थोड़ा सा उस पर सोचते हैं, देखते हैं, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी अलग नज़र आती है। तो मेरे लिए वो चीज़ शुरू से ही था कि मैं कैसे देखता हूँ दुनिया को, और उसके बाद सिर्फ अभी मैं कहूँगा सिर्फ विजुअल एलिमेंट्स उस तरह से नहीं है, बट उसका आपके साथ में क्या कनेक्शन हो रहा है, आपके माइंड के साथ में, सबकॉन्शियस लेवल पे आपके सोल के साथ में कैसे वो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, तो वो चीज़ जब आप फील करने लगते हैं तो, और आपने काम में कहीं पर वो चीज़ अगर आने लग जाती है, तो फिर आपका काम आई थिंक बेहतर होने लगता है। मैं कुछ टेक्निकल गियर के बारे में भी बात करूँगा, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ फोटोग्राफी, जैसे कुछ फोटोज़ जो हैं जो आपने लिए हैं, या फिर आपको ऐसा लगा कि वो लेने के बाद कि वो बस डिवाइन है, वो एकदम कनेक्ट कर रहा है, जो आप सोल कनेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, ऐसे कुछ फोटोग्राफी के बारे में बताएं, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स के बारे में बताएं, वो मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा, वो देखेंगे वो। मैं कहूँगा इस तरह का जो काम है वो ज़्यादातर, तो जो मेरा पर्सनल काम रहा है उसमें मैं कह सकता हूँ कि वो है। कमर्शियल काम में क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट दे दिया जाता है, आपको ब्रीफ मिल जाता है कि ये चीज़ आपको शूट करनी है, ऐसे शूट करनी है, तो ये सारी चीज़ें ना आपको दे दी जाती हैं, तो आपको उसको सिर्फ अपने टेक्निकल और एस्थेटिक नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज़ करके उस चीज़ को आपको उनको देना होता है, वो करना होता है। एक अगर कॉमन मैन, मतलब एक आम आदमी के प्रस्पेक्टिव से अगर सोचते हैं फोटोग्राफी के बारे में, तो वो या तो दोस्तों के बीच में कुछ फ़ोटो ले लिए घर पर, शादी की फ़ोटोग्राफी, कुछ फंक्शन हो गए, कहीं आप गए तो जाके फ़ोटो खींच लिए, तो ये फोटोग्राफी का मतलब इतना ही दूर तक है जो एक आम धारणा है जो हम करते हैं, सबके घर पे है, सबके जगह पे है, सब कम्युनिटी में यही है। पर अगर हम कमर्शियल फोटोग्राफी के बारे में बात करें, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी के बारे में बात करें, तो वो कितना डिफरेंट है और क्या प्रोसेस है, ताकि वो व्यूअर समझे कि फोटोग्राफी कुछ केवल शादी तक या केवल फंक्शन तक सीमित नहीं। जी जी बिल्कुल, जो जनरल परसेप्शन होता है फोटोग्राफी के बारे में लोगों का, वो यही रहता है कि और आजकल ये और भी ज़्यादा हो गया है क्योंकि हर मोबाइल स्मार्टफोन में कैमरा है, तो लोग वो यूज़ करते हैं और शूट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वो वेकेशन फ़ोटोज़ हो गई, कोई इवेंट है, फंक्शन है, वहाँ पर फ़ोटोज़ ले ली, तो ये है। प्रोफेशनल फोटोग्राफी जो है वो इससे काफ़ी अलग है और काफ़ी ज़्यादा वास्ट फील्ड है, उसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं फोटोग्राफी के अलग अलग। जैसे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है, एक अपने आप में वो स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसी तरह से मीडिया के अंदर आप देखिए, न्यूज़ फोटोग्राफी है, फ़ोटो जर्नलिज़म जो बोलते हैं, इसके अलावा अलग अलग है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। पोर्ट्रेचर, जिसमें हम लोगों के पोर्ट्रेट्स करते हैं, उसका अपना एक पूरा जो है फील्ड में डीप में आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं कि अगर पोर्ट्रेट्स आपको लेने हैं तो वो कैसे, उसके अंदर फिर अलग अलग है। कमर्शियल पोर्ट्रेट्स अलग हैं, कैरेक्टर पोर्ट्रेट्स अलग हैं, वो भी मतलब काफ़ी कुछ होता है उसके अंदर। इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग के अंदर, एडवर्टाइजिंग अगर कहें जो, तो ये काफ़ी वास्ट है। अगेन एडवर्टाइजिंग में सब कुछ ही आ जाता है। तो एक डिफरेंस है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल फोटोग्राफी, हम कहते हैं कमर्शियल का मतलब ये होता है कि आप जो शूट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो एज अ प्रोडक्ट या एज अ सर्विस वो अवेलेबल होगा सेल के लिए या कमर्शियल, उसके लिए लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उसका जब हम शूट करते हैं दैट इज़ कमर्शियल फोटोग्राफी। नॉन कमर्शियल में फिर आ गया बाकी सारी चीज़ें जो हैं, इवेंट फोटोग्राफी है, वेडिंग्स हो गए, फंक्शंस हो गए, ये सारा नॉन कमर्शियल होता है क्योंकि ये मेमोरीज़ के लिए होता है, लोग अच्छा। अपने एल्बम में वो प्रिजर्व करके रखते हैं। एडवर्टाइजिंग अगेन इट्स वेरी वास्ट, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। कोई भी चीज़ है जो आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, नेचुरली उसकी एक मार्केट है,
तो प्रोडक्ट हो सकता है, वो गारमेंट्स हो सकते हैं, वो कोई आर्किटेक्चर हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, एज बिग एज अ कैन बी एन एरोप्लेन, उसका भी आप ऐड जब कर रहे हैं, और इट कैन बी अ सर्विस, तो सर्विस के अंदर फिर तमाम तरह की सर्विसेज होती हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, हॉस्पिटैलिटी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सर्विसेज हैं, तो ये सारा कुछ जो है वो एडवर्टाइजिंग के अंदर आता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस टेक्निकल जो है। ऐसे में क्योंकि अब स्मार्टफोन की बात आप कर रहे हैं, स्मार्टफोन से फ़ोटो ले लिया, हम वही करते हैं, पर अगर बात करें आप जैसे अगर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के तौर पे हैं, तो उसमें क्या क्या गेयर आप जनरली आपको यूज़ करना पड़ता है और कितने महंगे होते हैं वो? दो पार्ट में मैं इसका आंसर देता हूँ। एक तो क्या क्या गेयर यूज़ करते हैं, तो वो टोटली डिपेंड करता है कि हम क्या शूट कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो दो तरीके से इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एक इंडोर शूट होता है, एक लोकेशन शूट होता है। इंडोर के अंदर मोस्टली हम या तो स्टूडियो में शूट कर रहे होते हैं, या हम कोई इस तरह का कोई फार्म हाउस या कोई जहाँ पर एक सेटिंग है हमारे पास ऑलरेडी, वो हम हायर करते हैं, वहाँ पर शूट करते हैं। तो उसका सेटअप ये होता है कि उसके अंदर बेसिक चीज़ें तो कॉमन रहती हैं, कैमरा होगा, ट्राइपॉड होगा, और कैमरा के साथ में लेंसेज होते हैं, ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। इसके अलावा जो है जैसे लाइट्स है, इंडोर में लाइट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम वैसे तो मोबाइल से जब शूट करते हैं तो बहुत आराम से वो विंडो से लाइट आ रही है, आपकी ट्यूबलाइट जली हुई है या कोई इंडोर लाइट जली हुई है, वहाँ पर आपको एक्सपोजर मिल जाता है, आप शूट कर लेते हैं, अच्छा आपको बढ़िया फ़ोटो मिल जाती है मोबाइल पे। लेकिन जब हम प्रोफेशनली इस चीज़ को शूट करते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि लाइट के साथ में एक चीज़ है कलर टेम्परेचर, जो डे लाइट जो होती है उसका कलर टेम्परेचर यूजुअली 5600-6000 डिग्री केल्विन होता है, जो अंदर लाइट्स लगी होती है वो 3200-3600 डिग्री केल्विन, काफ़ी डिफरेंस। हाँ, तो अगर वो हम अपने कैमरे पे कैप्चर करते हैं तो वो डिफरेंस दिखेगा, बाहर से जो लाइट आ रही है वो थोड़ी ब्लूइश टोन में होगी, अंदर की जो लाइट है थोड़ी वो येलोइश होगी, CFLs लगे हुए हैं तो उनका थोड़ा वो उस तरह का टोन आता है डिफरेंट। तो ये सब चीज़ों को बैलेंस करना, क्योंकि आप जब शूट कर रहे हैं प्रोफेशनली तो ये ध्यान रखना होता है कि ये सारी चीज़ें सीमलेस लगें, तो हमें वहाँ पर फिर अपनी स्टूडियो लाइट्स यूज़ करनी पड़ती है ताकि वो हो जाए, कॉमन हो जाए पूरी लाइटिंग। एट द सेम टाइम हाईलाइट और शेडो जो है, हाईलाइट में अगर ज़्यादा एक्सपोजर आ रहा है, शेडो में कम आ रहा है, तो वो डार्क हो जाएगा। तो जब हम प्रोफेशनली करते हैं तो हम सारी रीडिंग्स लेते हैं, हाईलाइट की रीडिंग, शेडो की रीडिंग, और किस तरह का हमें रिजल्ट चाहिए, हमें एक्चुअली शेडोज़ कितनी डार्क चाहिए, हाईलाइट्स कितनी ब्राइट चाहिए, ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड रहती हैं। हमारे पास टीम होती है उसके लिए, लाइटिंग की टीम होती है जो ये सारा कुछ करते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये एक बेसिक डिफरेंस जो है वो आपका नॉर्मल जो फोटोग्राफी जो कर रहे हैं, क्योंकि हम सब करते हैं, वो भी सही है अपनी जगह पे, बिल्कुल, पर जो आप लोग जो करते हैं उसको कमर्शियली करते हैं या उसको प्रोफेशनली करते हैं जी, तो उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारा इक्विपमेंट लगाना पड़ता है उसमें, बिल्कुल। और उसका रीज़न है कि आप जो चीज़ शूट कर रहे हैं कमर्शियली वो चीज़ कैसी दिखनी चाहिए, ये सब चीज़ें प्री प्रोडक्शन जो हम कहते हैं उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस होती हैं, क्लाइंट के साथ में मीटिंग्स होती हैं, मूड बोर्ड्स बनते हैं। जिस तरह से हम कमर्शियल अगर फोटोग्राफी की बात कर रहे थे, साथ में जो आम जो अब एक स्मार्टफोन पे, क्योंकि फ़ोन भी बड़े अच्छे अच्छे, वो महंगे महंगे फ़ोन आते हैं, उनसे फ़ोटोज़ भी बड़े अच्छे आते हैं, तो जो एक अलग है, अगर कहीं मैं बाहर जाके ले रहा हूँ तो वो, जब अगर मैं स्मार्ट फोन से लेता हूँ और आप उसको अगर करते हो, तो उसमें कितना क्या डिफरेंस क्या होता है वो समझ में नहीं आता बिल्कुल, कि अगर जी मैं कहूँगा कि डिफरेंस काफ़ी होता है, बट एट द सेम टाइम ये है कि आपको देखना है कि आप किस पर्पस के लिए शूट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्मार्टफोन पे आसानी से शूट हो जाती हैं और उनका पर्पस ये है कि आपको सोशल मीडिया पे शेयर करना है, तो वहाँ के लिए वही जो आपका इक्विपमेंट है स्मार्टफोन और उसका जो कैमरा है वो काफ़ी है, वहाँ पर फिर आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जब हम किसी प्रोडक्ट को शूट कर रहे हैं या किसी फैशन के लिए शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर वो स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसका पर्पस, उसका यूज़ वो जाएगा, कई बार बिलबोर्ड्स पे जाता है, बड़े बड़े साइज़ में प्रिंट होता है। हालांकि आजकल आईफोन वगैरह काफ़ी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ, उनके मेगापिक्सल्स भी ज़्यादा हैं, उनका सेंसर काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, तो वो उन फ़ोटोज़ को बिलबोर्ड्स पे लगा के वो डिस्प्ले कर रहे हैं कि हमारे फ़ोन से अगर आप शूट तो करते हैं, फोटोज रियल होती है, बट उनका शूट जो है वो प्रोफेशनल तरीके से ही होता है। अच्छा। तो वो ऐसा नहीं है कि आप वो फोटो अचीव कर सकते हैं नॉर्मल फोन से क्लिक करके। फोन वो यूज करते हैं जस्ट एज अ रिकॉर्डिंग मीडियम, फोन के अंदर जो सेंसर लगा हुआ है, जो वो पोस्ट प्रोडक्शन और ये सारी दो तीन चीजें हैं। इवन ड्यूरिंग प्रोडक्शन लाइटिंग होती है बाकायदा, जो हम शूट के लिए यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा कैमरे को पूरे रिग के साथ में सेट करते हैं, लेंसेज जो हैं प्रोफेशनल लेंसेज उनके साथ यूज़ करते हैं, तो अटैच हो जाता है हमारे पास, वो अडैप्टर्स होते हैं, तो आप वो करके ट्राईपॉड पे लगा के स्टेबल शॉट्स लेते हैं। और ऑफ कोर्स जो आप कह रहे थे कि पोस्ट प्रोडक्शन है, एडिटिंग है, तो एक बार वो फोटोज जब शूट हो जाती हैं तो उन पर एडिटिंग काफ़ी होती है, तो उसको उनको उस लायक बनाया जाता है कि वो बिलबोर्ड पर। ऐसे बहुत सारे वो फोटो सीरीज हुए होंगे जिसमें काफी चैलेंजेस आए होंगे, या फिर ऐसा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मोमेंट कब रहा, कोई ऐसा कोई मोमेंट आपका? कई सारे हैं फोटोग्राफी, मैं जिस तरीके से देखता हूँ फोटोग्राफी इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज। हर चीज़ आप अगर देखें तो वो प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, उसको हमें जस्ट वेरी बेसिक लाइट अप करना है, वो एक प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पर लाइट ऐड करनी है। तो इसी तरह से बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिनको कि ओवरकम करना होता है। विद टाइम आप धीरे धीरे सीख जाते हैं, लर्न कर लेते हैं विद एक्सपीरियंस एंड विद टाइम, कि वो आपका एक सेकंड नेचर बन जाता है कि आपने प्रॉब्लम देखी और आपके माइंड ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया कि यहाँ पर आपको क्या करना है। तो इस तरीके से फिर हम पूरा शूट एक प्लान करते हैं, उसके अंदर जो जो एस्पेक्ट्स हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, एस्थेटिक एस्पेक्ट्स हैं, और शूट के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार बड़े शूट्स होते हैं जहां बहुत बड़ी टीम्स होती है, वहां पर ये चैलेंजिंग होता है कि पूरी टीम को किस तरीके से आपको गाइड करना है टुवर्ड्स वन कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको अच्छी फ़ोटो वहाँ से एज़ पर द ब्रीफ, एज़ पर द मूड बोर्ड, जो आपके पास रेफरेंसेज हैं उस तरीके से आपको वो निकालना है। तो बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं, कई बार लाइट के ऊपर होते हैं लोग, जो लाइटिंग की टीम होती है। इसी तरीके से मॉडल्स होते हैं तो उनके साथ में हेयर एंड मेकअप, स्टाइलिंग, ये सारा कुछ रहता है। टेक्निकल एंड पर अगर देखें तो फिर वो कैमरा और लेंसेज क्या यूज़ करने हैं, क्या सेटिंग्स रखनी है, ये सारा कुछ चैलेंजिंग आप कह सकते हैं कि चैलेंजेस हैं जो हम डे टू डे एज अ फोटोग्राफर। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे आप और कुछ एडवर्टाइजिंग का भी कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से बड़े नाम हैं जिनको अभी आप उनका उनके साथ काम भी कर चुके हैं और क्या काम कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से हैं अभी? एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप अच्छे ब्रांड्स के साथ में काम करते हैं तो वहाँ पर आप बेटर वर्क, यूजुअली मतलब हमेशा तो नहीं लेकिन यूजुअली ऐसा होता है, अगर अच्छे ब्रांड्स हैं तो आप बेटर वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि दे डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस एंड दे गिव यू गुड बजट बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ गुड फोटोग्राफी। कई बार ये होता है कि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं और वो आपकी फोटोग्राफी को इतना वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो शायद वो कहेंगे कि यहाँ पर इतना क्यों कॉस्ट हो रहा है, वहाँ पर उतना क्यों हो रहा है। कौन कौन से नाम है जो नाम इस तरीके से थोड़ा याद करना मुश्किल होगा अभी, बट यूजुअली जितने भी ब्रांड्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके साथ में अभी ऑटोमोबाइल के अंदर मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, रॉयल एनफील्ड के लिए किया है, MG मोटर्स के साथ में अभी कर रहे हैं, बजाज के लिए किया है, होंडा के लिए किया है। तो ये जो अच्छे ब्रांड्स हैं समवेयर उनका एक उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर आपको अच्छा काम करवाना है देन यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ बजट। तो वो जब मिलता है तो काम करना आसान हो जाता है, आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल होती हैं आपके पास, तो नेचुरली फिर वो आउटपुट जो है आपका वो टू द मार्क आता है। कुछ जो एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए साथ ही करियर प्रॉस्पेक्ट है जी। कुछ आपके वैसे किस्से जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलके और उनके बातों को लेकर कुछ ऐसे लोग जो मिलकर, ये पर हम दूसरे सेक्शन में, हमारे फर्स्ट पार्ट का टाइम हो गया है और दूसरे सेक्शन में ये जो इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है इसको हम जारी रखेंगे सुशांत सिन्हा के साथ।
इस सेक्शन के लिए बस इतना ही। अगले सेक्शन में आप स्टे ग्लूड टू सुशांत सिन्हा विद कुमार विजेंद्र इन पॉडकास्ट विद विद्या लाइफ। थैंक यू।